ओम शांति। आज 27 जुलाई 2024 है। हर रोज हम बाबा के परोपकारी बनने के अव्यक्त इशारे सुन रहे हैं और आज बाबा ने मुरली में भी इस गुण को याद किया। किस रूप में किया? बाबा ने कहा कि हम बच्चों को बाप समान रहमदिल बनना है और सर्व का कल्याणकारी बनना है। तो रहमदिल बनने के लिए, कल्याणकारी बनने के लिए एक और नया गुण जो बाबा आज हमें सिखा रहे हैं अव्यक्त इशारों से, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा, मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया, कभी अपना नाम नहीं किया, मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, ऐसे फॉलो फादर कर परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। आज परोपकारी आत्मा बनने के लिए बाबा हमें जिस गुण को प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं वो है कि मैं मास्टर बीज रूप मास्टर रचयिता हूँ। रचयिता हमेशा अपनी रचना का भला ही चाहता है, अपनी रचना सबसे अच्छी उसको लगती है, भले ही उसकी रचना में कोई कमी भी हो लेकिन उसको अपनी रचना हमेशा अच्छी लगती है। जैसे माँ के लिए सबसे सुंदर सबसे अच्छा इस पूरे संसार में उसका अपना बच्चा होता है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, कोई बीमारी भी उसको क्यों ना हो, लेकिन माँ फिर भी उसको उस दृष्टि से देखती है कि ये सबसे प्यारा है। पिता भी ऐसे ही अपनी रचना को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो जैसे बाबा की हम सब रचना है, ब्रह्मा बाबा भी पिता के रूप में बच्चों के आगे अपना सब कुछ निछावर करते हैं। मम्मा को भी जब ये स्मृति आई कि मैं मम्मा हूँ, यज्ञ माता हूँ, तो छोटे होते हुए भी कैसे वो वात्सल्य, वो प्रेम उन्होंने सबको दिया। ऐसा नहीं था कि उस समय पे कमियाँ कम थी और आज कलयुग घोर है तो कमियाँ ज़्यादा हैं, नहीं, उस समय भी कमियाँ थी, उस समय के अंदर भी यही हालात थे, लेकिन मम्मा उन सब कमियों को देखते हुए भी हमेशा कल्याणकारी दृष्टि रखती थी। दादियाँ, तो अब हमारी बारी है। तो जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वही संस्कार हम अपने अंदर धारण करेंगे तो हम उसी मंजिल तक पहुँचेंगे जहाँ तक वो पहुँचे। अगर मंजिल हम सबकी एक है तो रास्ता भी हम सबका एक होना चाहिए, अर्थात संस्कार भी हमारे एक होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये जो नाम मान शान के पीछे हम कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण से अपने पुरुषार्थ और सेवा की दिशा को मोड़ देते हैं, ये जैसे कि कच्चा फल खाना है। कच्चा फल खाएंगे तो अपनी सेहत भी खराब होगी और वो फल जो मीठा होकर के बहुत सुख देता, उस सुख से भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमेशा स्मृति रखें कि मैं मास्टर रचयिता हूँ और अपनी रचना से हम स्नेह करते हुए, प्यार करते हुए, हर चीज़ उसके कल्याण की करते हुए उसी मंजिल तक पहुँचें। ओम शांति।